नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं SB डिजिटल। इस वीडियो अंदर मैं मी 10i एंड Realme 7 Pro ये दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल्ड स्पीड टेस्ट ये पे हम करने वाले। दोनों ही 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसका प्राइस 22,000, इसका 20,000, तो 2,000 का डिफरेंस है। इसमें दिया है 750G 720G। इसके अलावा 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन हमें देखने को मिलता है और ये पे ओनली 60Hz। तो देखते हैं किसका परफॉर्मेंस ये पे हमें कैसा देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले ये पे हम रिस्टार्ट टेस्ट करने वाले। देखते हैं कौन सबसे पहले ये पे स्विच ऑन कर पाता है। 3, 2, 1। तो सबसे पहले ऐप ओपन कर दिया मी 10i। इसका ऐप लोडिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऐप बड़ा लोड ले लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फास्ट लोड ले लिया। एंड रियलमी 7 प्रो का भी हाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐप लोड ले लिया और रियलमी ने यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा टाइम ले लिया। अभी दोनों के अंदर ये पे हम AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं किसका स्कोर ये पे हमें कैसा देखने को मिलता है। दोनों ये पे हमने एक साथ प्ले किया था, बट स्लाइटली आगे ये पे जा रहा है मी 10i और ये पे 120Hz डिस्प्ले 240Hz सैंपल रेट के वजह से स्लाइटली ओवरऑल स्क्रीन बहुत ज्यादा स्मूथ हमें देखने को मिल रहा है मी 10i में। अभी तक मी 10i सबसे फास्ट चल रहा था रेंडरिंग बढ़ा, अब Realme 7 Pro सबसे फास्ट ये पे हो रहा है। तो इसको ये पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, 324,000 और ये पे 287,000। 750G एंड 720G डिफरेंस तो ऑब्वियसली ये पे रहेगा, बट ये पे हम देखेंगे रियल लाइफ में वो डिफरेंस कितना ज्यादा है। CPU, GPU, मेमोरी, UX सभी में मी 10i का स्कोर सबसे ज्यादा है। अगला Geekbench स्कोर ये पे आप देख सकते हैं, सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में स्कोर ज्यादा है मी 10i में। अगला दोनों के अंदर ये पे हम ऐप टेस्ट करने वाले। नोटिफिकेशन बार आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ही सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है एंड लोकेशन ये पे ऑन है एंड बैकग्राउंड पे भी कोई एप्स ये पे रन नहीं कर रहा है। सबसे पहले इंस्टाग्राम मी 10i एंड ये पे ओपन रहने देते ये दो पोस्ट। नेक्स्ट फेसबुक मी 10i स्लाइटली पहले एंड ये पे ओपन रखते ये दो पोस्ट, सेम तो नहीं है बट ये दो पोस्ट ये पे ओपन रहने देते। नेक्स्ट ट्विटर बहुत ही ज्यादा पहले Realme 7 Pro एंड यहीं पे रखते ये दो फोटो। नेक्स्ट Amazon स्लाइटली पहले मी 10i एंड यहीं पे ये दो सेम मोबाइल सेक्शन। नेक्स्ट Flipkart मी 10i फिर से एंड यहीं पे भी सेम ये दोनों मोबाइल सेक्शन। अगला YouTube Realme 7 Pro और ये पे ये दो वीडियो ये पे चल रहा है, ये पे दोनों को ये पे पॉज करके बाहर आ जाते। नेक्स्ट प्राइम वीडियो Realme 7 Pro एंड ओपन रखते ये दो पोस्ट। नेक्स्ट Spotify मी 10i और ये पे ओपन रखते ये दो सेम प्लेलिस्ट और ये पे अभी भी लोडिंग ले रहा है, ये दो सेम प्लेलिस्ट ये पे ओपन रहने देते। नेक्स्ट DRM इन्फो स्लाइटली पहले मी 10i एंड दोनों के अंदर ये पे आप देख सकते हैं वाइड वाइन L1 सपोर्टेड है। अगला क्रोम ब्राउजर मी 10i फिर से एंड ये पे ये दोनों सेम पेज ही ये पे ओपन रखते विकिपीडिया वाला। अगला स्नैपसीड स्लाइटली पहले मुझे लगा Realme 7 Pro यानी पे ये दोनों फोटो के अंदर दोनों ही ये पे मॉर्निंग इफेक्ट ला के ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये पे हमारे लिस्ट का सबसे लास्ट पबजी। ये पे सबसे पहले ओपन कर दिया मी 10i यानी उसके 2-3 सेकंड बाद Realme 7 Pro। अभी सभी एप्स बैकग्राउंड पे रन कर रहे हैं, जिस पेज पे हमने ये पे रखा था सेम पेज पे ये, जैसे कि पे आप देख सकते हैं एक एक करके एप्स को ओपन करते देखते ये पे रैम मैनेजमेंट किसका बेहतर है। सबसे पहले इंस्टाग्राम ये पे मी 10i ने कर दिया रीस्टार्ट एंड ले गया लेटेस्ट पोस्ट पे एंड Realme 7 Pro सेम पोस्ट पे ये। अगला फेसबुक ये पे भी सेम केस मी 10i रीस्टार्ट कर दिया और ले गया दूसरे पोस्ट पे और 7 Pro सेम पोस्ट पे ये। ट्विटर नो प्रॉब्लम दोनों ही सेम पेज पे। अमेज़न ये पे थोड़ा सा लोड ले रहा है बट सेम पेज पे, मोबाइल सेक्शन के अंदर ही दोनों पेज है। फ्लिपकार्ट ये पे भी सेम केस दोनों ही सेम मोबाइल सेक्शन, लोडिंग होने में स्लाइटली डिले हो रहा है। अगला यूट्यूब ये पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम वीडियो। प्राइम वीडियो ये पे बार बार पता नहीं क्यों लोड ले रहा है बट दोनों ही सेम पेज पे। स्पॉटिफाई देखो फिर से ये 1 सेकंड के अंदर सेम पेज पे रख रहा है, कोई लोड वगैरह नहीं हो रहा है और मी 10i अच्छा खासा टाइमिंग यहाँ पे ले रहा है। DRM इन्फो सेम केस। क्रोम ब्राउजर नो प्रॉब्लम। स्नैपसीड लोड। पबजी
तो ये पे मीट एन आई फिर से स्टार्टिंग पबजी लिख के आ गया। बहुत ही मतलब शॉकिंग केस आप बोल सकते हैं। मीट एन आई फिर से पबजी यहाँ पे लोड ले रहा है। रियलमी 7 प्रो सेम पिच पे रख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। तो ऐप ओपनिंग के अंदर स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गया मीट एन आई में, बट रैम मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये पे दे दिया रियलमी 7 प्रो। अगला ये पे हम डिस्क स्पीड टेस्ट करने वाले, देखते रीड राइट स्पीड किसका बेहतर है। तो दोनों का स्कोर ये पे आप देख सकते हैं, UFS 2.2 के वजह से बहुत ही ज्यादा स्कोर हमें देखने को मिल गया और ये पे दिया है UFS 2.1। रीड स्पीड 838 Mbps, राइट स्पीड 472 मीट एन आई में, वही पे 7 प्रो में रीड स्पीड 495 एंड राइट स्पीड 162 Mbps। तो रीड राइट दोनों में ही ज्यादा है मीट एन आई में UFS 2.2 के वजह से। अभी हम दोनों के अंदर एक रेंडर टेस्ट करने वाले, देखते कौन सबसे पहले यहाँ पे रेंडर कर पाता है। और दोनों पे काइन मास्टर पे सेमी प्रोजेक्ट हमने ओपन करके रखा है, तो देखते कौन सबसे पहले इसको रेंडर कर पाता है। बीट रेट सबसे लो कर दिया हमने एंड रेजोल्यूशन ये पे आप देख सकते हैं फुल HD 30 fps दोनों पे हमने रख दिया। अब दोनों को ही एक साथ एक्सपोर्ट एंड 3, 2, 1 ये पे Realme 7 Pro ऑलरेडी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दिया। 2 सेकंड हो गए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी से ये पे प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दिया और Mi 10 अभी कर रहा है, तो अभी ये पे ऐड आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेंडर कंप्लीट कर दिया Realme 7 Pro एंड उसके थोड़े टाइम बाद Mi 10 आई एंड दोनों के अंदर डिफरेंस था टोटल 30 सेकंड का, बट रेंडरिंग टेस्ट में Realme 7 Pro फास्ट है। अब दोनों के अंदर ये पे हम इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाले और दोनों का ही नेटवर्क ये पे आप देख सकते हैं सेमी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है एंड लोकेशन दोनों के अंदर ही ऑन है। तो सबसे पहले ये पे मैं आपको एक ही साथ टेस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद अलग अलग टेस्ट करके। तो एक साथ टेस्ट करने पर डाउनलोड स्पीड सबसे ज्यादा है Mi 10 i में 23 Mbps एंड अपलोड स्पीड सबसे ज्यादा है Realme 7 Pro 34 Mbps। अभी अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं कैसा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो रिजल्ट अब कुछ अलग ही यहाँ पे आ गया। डाउनलोड अपलोड दोनों में स्कोर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है Mi 10 i में 41 Mbps 45 Mbps अपलोड एंड 3 टेस्ट यहाँ पे हमने किया है जिसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी दोनों पे साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाले, देखते हैं किसका साउंड क्वालिटी कैसा है। वॉल्यूम 100%, अब इसको स्टॉप करते हैं। अब Realme 7 Pro वॉल्यूम 100%, और ये पे हमें स्टूडियो साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाता है। तो दोनों तरफ से साउंड निकलने वाला है, बट ये पे एक ही तरफ से साउंड निकलने वाला है, बट दोनों का ही साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इसका साउंड क्वालिटी बेहतर है या इसका साउंड क्वालिटी बेहतर है, दोनों ही ऑसम है। तो फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया दोनों का यूजर्स एक्सपीरियंस ये पे कैसा था। इसका प्राइस 2000 रुपए ज्यादा है, इसका प्राइस 2000 रुपए कम है, बट इसके बदले में बहुत ज्यादा अपग्रेड भी ये पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड हैंड्स फ्री की बात करूं तो स्लाइटली प्रीमियम एक्सपीरियंस हमें मिलता है ये Realme 7 Pro में। हाथ में पकड़ने में एक बहुत ज्यादा प्रीमियम हैंडसेट की तरफ फील होता है, बट Mi 10 i स्लाइटली हेवी है एंड साइज भी थोड़ा सा बड़ा है। कौन सबसे ज्यादा स्लिम एंड छोटा साइज में आता है, पोर्टेबल कॉम्पैक्ट साइज में आता है ये पे आप देख सकते हैं, बट मुझे ये पे पकड़ने में स्लाइटली बेटर हैंड्स फील लग रहा है Realme 7 Pro में। प्राइस जो स्लाइटली ये पे ज्यादा है उसकी सबसे बहुत ही बड़ा अपग्रेड भी किया गया है। 108 MP कैमरा, 5G, 750G, 120Hz रिफ्रेश रेट, यस अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इस टेस्ट के अंदर किसका परफॉर्मेंस ये पे हमें कैसा देखने को मिलता है। तो इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपके भाई शायक मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।